है पेज नंबर 47, यानी कि 47 पे ग्रामर का पोर्शन है। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ ग्रामर जो कि पेंसिल में बना हुआ है। कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग इच आर, ठीक है, इच का और आर का प्रयोग करके। आपने ये देखो यहाँ खाली स्थान छोड़े हुए हैं ना, इसमें आपने लगाना है क्या लगेगा, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहले हम देखते हैं इच कहाँ लगता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में बताया गया होता है, अगर वो एक है, एक व्यक्ति है या एक चीज़ है, यानी कि एक है तो हम इज लगाएंगे, और जब वो एक से ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कहाँ क्या है। पहली लाइन है यू शुड नेवर क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक, यानी कि आपको सड़क पार नहीं करना है जब ट्रैफिक इज नियर यू, यानी कि ट्रैफिक जो गाड़ियां हैं नियर पास है तुम्हारे, तो ये ट्रैफिक आया है, ट्रैफिक्स नहीं है, एक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे ये ट्रैफिक आया है, ये एक के बारे में, कोई भी एक सिंगल भी गाड़ी अगर आपके पास है तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा, हमने इज लगा दिया है, इसी को देखना है, ठीक है। दूसरी लाइन देखो, थोड़ा सा मैं पहले बड़ा कर लूँ ताकि आपको दिख पाए। सेकेंड लाइन है लुक, देखो द ट्रक डैश कमिंग। अब ये ट्रक को देखना है आपने, ट्रक एक है या ज़्यादा है, ट्रक्स नहीं है, ट्रक है, यानी कि एक है, तो एक के साथ मैंने क्या बताया है, क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ इस लाइन में क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। चलिए हम इसको लिख देते हैं आई एस इज, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम, लुक द ट्रक इज कमिंग। आगे चलते हैं तीसरी लाइन में बस इज, यानी कि बस इज क्या होगी, ढेर सारी होगी, एक से ज़्यादा होगी, स्कूटर्स कार्स, ठीक है, बस इज भी ज़्यादा होगी, स्कूटर भी ज़्यादा होगी, कार। डैश वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट, यानी कि वो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट पर। अब ये एक से ज़्यादा हो गए ना सारे, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आर, ठीक है, ए आर ई, ज़्यादा चीज़ों के लिए मैंने क्या बताया, आर आएगा, यहाँ पर हमने लगा दिया आर, ठीक है। अगली लाइन है, चौथी लाइन है ए पुलिसमैन। अब यहाँ पर देखो मैन, MAN, ठीक है, ये एक होता है, जब इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो मीन बन जाता है, MEN, EN हो जाता है, इससे पता चलता है कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर पुलिसमैन ये क्या है, एक है। डैश कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, तो ये पुलिसमैन क्या है, एक है, इसको देख के हमें पता चलता है यहाँ क्या आएगा, एक के साथ आई एस इज, ठीक है। अगले पांचवी लाइन है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे, तो ये क्या है, एक से ज़्यादा है ना, ज़्यादा पता चल रहे हैं ना बच्चे के बारे में। डैश क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस कर रहे हैं रोड को, तो अब बच्चे ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर। तो हमें क्या पता चला, जब एक से ज़्यादा चीज़ हो, डैश के साथ वाली आपने देखनी है, ज़्यादा हो तो आर लगेगा, और एक है तो इज। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आई के साथ, आई आता है लाइन में, उसके साथ हमेशा एम लगता है, और यू के साथ हमेशा आर लगाते हैं। यू का मतलब वैसे तो एक होता है ना, तुम्हारे लिए तुम एक हो, और मैंने बताया आर एक से ज़्यादा के लिए, लेकिन ये एक ऑप्शनल है, इसमें क्या करते हैं, हमें याद रखना है आई के साथ हम एम लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं, ठीक है। ये हमारी एक एक्टिविटी पूरी होगी। आगे कुछ लाइनें हैं जिसको हम ध्यान से देखेंगे, क्या दिया हुआ है, रीड दीज सेंटेंसेज, इन वाक्यों को पढ़ना है, क्या है। देखो पहली लाइन है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि हमें दिखे, डोंट, डोंट मतलब होता है डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डोंट, इसको बोलते हैं डोंट बी इन ए हरी टू क्रॉस द रोड, जब आप सड़क को पार कर रहे हैं आप हमेशा जल्दी में मत रहो, आराम से पार करना है, दौड़ना नहीं है। दूसरी लाइन है वेट ए बिट, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो। थर्ड लाइन है स्टॉप एट द रेड लाइट, स्टॉप रुकना कहाँ पर, रेड लाइट पर रुक जाओ। बी केयरफुल, यानी कि सावधान रहो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ऑल दीज सेंटेंसेज, जितने भी यहाँ वाक्य हैं, आर इंस्ट्रक्शन फॉर रोड सेफ्टी, यानी कि रोड पर चलते हुए आपकी सेफ्टी रहे, सुरक्षा रहे, उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। यू मे नोटिस डैट द सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट है यू वो कहीं भी नहीं आया, इज मिसिंग इन ऑल दीज सेंटेंसेज,
हेयर आर सम मोर इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, इनमें हम यू शब्द का यू इसको लगाएं या ना लगाएं, ये हमारे लिए अपने लिए समझ के लिए है कि हमें कहा गया है इंस्ट्रक्शन वाले वाक्य हैं तो ये ऐसे भी लिखे हैं तो ये सही है, यू लगा के भी लिखोगे तब भी सही है, ठीक है। तो ये हमें अपने आप पता होना चाहिए। अब ये देखो कुछ और लाइनें लिखी गई हैं, क्या है हम देखते हैं, कुछ नई लाइनें लिखी हुई है, क्या है, सी द ट्रैफिक लाइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, सी द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक की जो लाइट है उनको देखना है आपने, कब देखना है, जब आपने रोड को पार करना है उससे पहले। दूसरी लाइन है, अब इसमें भी देखो यू अंडरस्टैंड है, यू आपको कहा गया है, अंडरस्टूड है, ये अपनी समझ के लिए है, वॉक ऑन द फुटपाथ, यानी कि चलना है तो फुटपाथ पर चलो, जो फुटपाथ बना होता है ना उस पर गाड़ियाँ नहीं चलती है तो उस पैदल चलने वालों को फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। वेट फॉर द ग्रीन लाइट, तीसरी लाइन है कि हमें चलने के लिए ग्रीन लाइट हरी बत्ती का इंतज़ार करना चाहिए। चौथी है क्रॉस द रोड केयरफुली, हमें क्या है रोड को सड़क को सावधानी पूर्वक पार करना चाहिए, ये कुछ बताए गए हैं इसी से जुड़े हुए यहाँ पर दिया हुआ है। लिस्ट एनी थ्री इंस्ट्रक्शन, जो ये इस तरह के वाक्य हैं उसी तरह आपने लिस्ट यानी कि एक लिस्ट बनानी है डैट यू मे लाइक टू गिव टू योर फ्रेंड्स, जो आप अपने दोस्त को कहना चाहो अबाउट कीपिंग द स्कूल क्लीन। अब ये ध्यान रखना है, वैसे तो इंस्ट्रक्शन वाली लाइन बहुत है लेकिन आपने वो लाइनें बतानी है इंस्ट्रक्शन वाली जिससे स्कूल साफ सुथरा रह सके, जिसमें स्कूल में सफाई हो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहली लाइन देखो क्या है, लिख सकते हैं यूज डस्टबिन, यानी कि जब भी हम अपनी पेंसिल शार्प करते हैं या खाना खाते हैं तो हमें क्या है डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए कूड़ा गिरने के लिए, यूज डस्टबिन, इससे क्या है हमारा स्कूल साफ रहेगा। दूसरे क्या है डोंट, जिसको मैंने बताया है अपने डोंट, इसको डू नॉट होता है फुल फॉर्म, राइट होता है लिखना, किस पे स्कूल को साफ सुथरा रखना है, ऑन द वॉल, अब एक वॉल तो होएगी नहीं, कमरा भी है तो ढेर सारी होएगी तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं वॉल्स, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है तभी लाइन ख़त्म होएगी हमारी, ठीक है। यानी कि डोंट राइट ऑन द वॉल्स, दीवारों पर मत लिखो, और क्या लिख सकते हो आप, तीसरी लाइन बना सकते हैं डोंट राइट ऑन द बेंचेज, बेंचेज होते हैं ना जिसपे आप बैठते हो, बेंच बी ई एन सी एच ई एस, ठीक है, ये तीसरी लाइन हो गई है। यानी कि आपने बेंचेज पर भी नहीं लिखना, पहले क्या है यूज डस्टबिन, इससे कूड़ा करकट नहीं होएगा, स्कूल साफ रहेगा। डो नॉट राइट ऑन द वॉल्स, दीवारों पर मत लिखो, इससे गंदगी फैलती है। डोंट राइट ऑन द बेंचेज, यानी कि अपने बेंचेज पे भी मत लिखो। चौथी लाइन अगर बना सकते हो तो बना लोगे, कीप योर स्कूल नीट एंड क्लीन, अपने स्कूल को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और लाइनें भी बना सकते हो जैसे फूलों को मत तोड़ो, पेड़ों को नुकसान मत पहुँचाओ, इनकी लाइनें बनाकर लिख सकते हो, इस तरह से ये काम पूरा हो जाता है। आगे हैं थर्ड पार्ट है इसका, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड टिक इंस्ट्रक्शन ओनली, यानी कि इनको पढ़ना है, जिसमें सिर्फ आपको निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आपने टिक करना है। पहला देखो गो टू योर क्लास, अपनी क्लास में जाओ, निर्देश दिया हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे, चलिए कर देते हैं इसको आगे से। दूसरी लाइन देखो क्या है, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य, ये जो घर पे किया जाने वाला काम होता है ना, स्कूल से भेजा जाता है, वो कर रहा हूँ, तो इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। तीसरा कम विद मी, मेरे साथ आओ, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। अगली चौथी लाइन देखो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगली है आई लाइक मिल्क एंड फ्रूट्स, मैं दूध और फल को पसंद करता हूँ, ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है।
छठी लाइन है हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की सहायता करो, ये इंस्ट्रक्शन है तो हम इसको टिक कर देंगे। तो हमें इंस्ट्रक्शन वाली लाइनें कौन सी मिली है, पहली तो मिली है गो टू योर क्लास, आई एम कम विद मी, और लास्ट वाली हेल्प योर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हमारी एक एक्टिविटी पूरी हो जाती है। अब आगे क्या है, कुछ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के लिए है। ये हमें बत्तियों का पता चल गया, लाल दिख रही है, हरी वो पीली दिख रही है और इसमें हरी जल रही है, ठीक है। अब क्या है, पहला प्रश्न है रिसाइट द पोइम टू चिल्ड्रन एंड आस्क दम टू आंसर द क्वेश्चन ओरली। आपने जो पोइम पीछे दी गई है उसको आपने रिसाइट करना है, पढ़ना है, बोलना है, और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आपने जवाब देना है। पहला देखो, व्हाट इज़ द पोइम अबाउट, पोइम किसके बारे में है, तो आप क्या लिखोगे। पूरा आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चलिए मैं पूरा आंसर लिख देती हूँ, यहीं से बन जाएगा। यहाँ लिखोगे ए एन एस, फिर एरो डालोगे, तो यहाँ से आपने उठाना है द पोइम, यहाँ से ये आप उठाओगे, यहाँ से बनाओगे आंसर, ठीक है। द पोइम इज अबाउट, किसके बारे में है, ट्रैफिक रूल्स, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रैफिक टी आर ए डबल एफ आई सी रूल्स, इसके बारे में है ना, बत्तियाँ देख के भी पता चल रहा है ना। आगे दूसरा प्रश्न है व्हाट डज द रेड लाइट इंडिकेट, रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है कि हमें रुक जाना, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, सीधा लिख देती हूँ टू स्टॉप, रुकने का कहती है ना रेड लाइट। उसके बाद क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखो, विच कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट मीन्स टू वेट, वेट इंतज़ार करो किसका मतलब होता है, कौन सी लाइट का होता है, तो ये होता है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम आंसर ए एन एस, आंसर का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ आ जाएगा येलो, वाई डब्ल एल ओ डब्लू येलो कलर की जो लाइट जलेगी उसका मतलब क्या होता है कि भी आप वेट करो। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज ग्रीन लाइट से, ग्रीन लाइट से क्या कहती है हमें, टू गो, ठीक है, क्या कह रही है, यहाँ पूरा आंसर लिख देती हूँ मैं, पहले बड़ा कर दूँ, आंसर ग्रीन लाइट एल आई जी एच टी लाइट इंडिकेट, आप चाहो तो छोटा सा भी लिख सकते हो, बड़ा लिखोगे एक लाइन में तो और भी अच्छा लिखेगा, इंडिकेट्स टू गो, ठीक है, आप चाहो तो सीधा गो लिख सकते हो, टू गो। क्या लिखा हमने, ध्यान से फिर से देखेंगे, व्हाट इज़ द पोइम अबाउट, आप लिखोगे ट्रैफिक रूल्स, व्हाट डज रेड लाइट इंडिकेट, टू स्टॉप, विच कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट मीन्स टू वेट, येलो, व्हाट डज ग्रीन लाइट से, टू गो, ठीक है। अगला है, एक एक्टिविटी दी हुई है, वर्क इन ग्रुप्स, आपने समूह में इकट्ठा होकर इसको करना है, ठीक है। यहाँ देखो इसको क्या क्या आपने डिस्क्राइब करना है, पिक्चर को देखकर ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में अपनी तरफ से लाइन बनानी है, वो लिखना है। मैं आपको थोड़े से हिंट दे देती हूँ, पहले में क्या है, लड़का साइकिल चला रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ लड़का गिर रहा है, यहाँ इसको चोट लग गई है, यहाँ एक लड़की हेल्प कर रही है, यहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्लिनिक, और यहाँ पर हो सकता है ये उसके मम्मी पापा हो और थैंक्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये लड़का तेज साइकिल चला रहा है, तो हम इसकी लाइन लिखेंगे बॉय ड्राइविंग ड्राइव फास्टली, तेजी से चला रहा है, ठीक है, ये लाइन बन गई हमारी, बॉय क्या कर रहा है, ड्राइव फास्टली तेजी से चला रहा है। दूसरी लाइन में देखो क्या है, उसने क्या है, गलत साइड ली है, रोंग टर्न ली है। हमने अभी तक पोइम में क्या पढ़ रहा है कि वो लेफ्ट साइड में, रोड पर लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, लेफ्ट हमारा ये वाला हाथ होता है, लेकिन ये सड़क देखो इधर है और वो उस तरफ है, यानी कि राइट साइड में है वो, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ है, तो ये क्या है, टेक्स रोंग टर्न, यहाँ लिख देंगे हम टेक्स रोंग
ठीक है, टर्न गलत साइड की ओर मुड़ रहा है, टी यू आर एन, यहाँ हो गया पूरा। तीसरी लाइन में देखो, लड़का साइकिल से गिर गया है, तो गिरने को किससे गिरा है, यहाँ पर आपने ध्यान दिया हो तो ये देखो किसी चीज़ से ठोकर खा के, इसको हम कहते हैं ठोकर खाना। तो ये इसका शब्द होता है स्टम्बलर, क्या होता है स्टम्बलर, ठोकर खाना। और उसे क्या है, यहाँ पर देखो चोट लग गई है, घायल हो गया ना, बाद में डॉक्टर के पास है, उसको कहेंगे इंजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लाइन बनाते हैं स्टम्बलर, एस टी यू एम बी एल ई आर, स्टम्बलर एंड इंजर्ड, आई एन जे यू आर ई डी, इंजर्ड होता है घायल, इसका मतलब होता है ठोकर खाना। ठीक है, और इसका मतलब होता है घायल, यानी कि जिसको चोट लग जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ध्यान से देखो, स्टम्बलर एंड इंजर्ड, यानी कि ठोकर खाकर गिर गया और घायल हो गया। ठीक है, चौथी लाइन में देखो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो एक लड़की उसकी पट्टी बांध रही है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए गर्ल, अ गर्ल गिव्स हिम, लड़का है ना तो लड़के के लिए हिम आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट एड, यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट एड होते हैं ना जो प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट एड। ठीक है, एक लड़की ने क्या किया, उसकी प्राथमिक चिकित्सा की, यहाँ पर क्या है, वो क्लिनिक जा रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, उसको क्लिनिक लेके जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे टेक्स हिम, कहाँ लेके गई है, टू क्लिनिक, सी एल आई एन आई सी, क्लिनिक, उसे क्लिनिक लेके गई है। उसके बाद क्या है, उसके मम्मी पापा ने क्या कहा है उसको, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ देखो थैंक्स बोल रहे हैं इस लड़की का, ये उसके लड़के के मम्मी पापा हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी करोगे, क्या लिखा हमने, बॉय ड्राइव फास्टली पहली लाइन में, टेक्स रोंग टर्न, स्टम्बलर एंड इंजर्ड। ठीक है, ए गर्ल्स गिव हिम फर्स्ट एड, टेक्स हिम टू क्लिनिक, और लास्ट में थैंक्स। अब यहाँ पर देखो कुछ एक्टिविटी दी गई है, क्या दी गई है, ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, राइट डूज, जो हमें करना चाहिए वो लिखो, एंड डोंट्स, यानी कि जो नहीं करना चाहिए वो लिखना है, फॉर रोड सेफ्टी कंप्लीट द टेबल, यहाँ पर देखो इसको ये टेबल दी गई है, हमें इसको पूरा करना है, खाली छोड़ी हुई है ना, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द सेंटेंस, इन सेंटेंस का प्रयोग करके इनको पूरा करना है, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स है ना ये, बॉक्स से हमने सेंटेंस बनाने हैं और ये करने हैं, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक करके दिखाया हुआ है। देखो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है रन ऑन द रोड, पहले हम समझते हैं, रन ऑन द रोड यानी कि रोड पर दौड़ो, प्ले ऑन द रोड, रोड पर खेलो, वॉक ऑन द राइट साइड, राइट साइड में चलना चाहिए, थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, गार्बेज होता है कूड़ा करकट, कूड़े करकट को इधर और उधर गिरना चाहिए, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, अपनी लेफ्ट साइड बाएं साइड रोड पर चलना चाहिए। तो इसमें से जो काम हमें करना चाहिए वो यहाँ आएगा, डूज वी शुड, ठीक है, वी शुड लगाकर हमें लिखना है, और जो काम हमने नहीं करना है वो यहाँ, यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरफ क्या दिया हुआ है, यू जेबरा क्रॉसिंग, यानी कि जेबरा क्रॉस करो, वॉक ऑन द फुटपाथ पे चलो, फॉलो द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल का पालन करो, स्पिट ऑन द रोड यानी कि थूको, रोड पे थूकना चाहिए, स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, जब ट्रैफिक लाइट रेड है तो रुक जाना चाहिए। अब जो करना चाहिए वो हमने यहाँ लिखना है, जो नहीं करना चाहिए वो हम वहाँ लिखेंगे। चलिए हम एक एक करके लिखते हैं, पहली लाइन क्या करके बताई हुई है, डूज जो हमें करनी चाहिए उसके आगे हम लगाएंगे वी शुड, ठीक है, वी शुड का प्रयोग करना है। पहली लाइन क्या किया हुआ है, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए ना, तो ये लाइन यहाँ पर आ गई है,
और एक लाइन यहाँ डोंट्स में क्या लिखी हुई है, वी शुड नोट, हमें वी शुड नोट लगाना है, प्ले ऑन द रोड, हमें नहीं खेलना चाहिए। चलिए हम एक एक को उठाते हैं लाइन। पहले है रन ऑन द रोड, क्या हमें सड़क पर दौड़ना चाहिए? नहीं ना, तो ये लाइन हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे लाइन, चलिए लिखते हैं हम, कोशिश करती हूँ, आप भी कोशिश करना। वी शुड नोट, ठीक है, आगे क्या थी लाइन हमारी, थी रन ऑन द रोड, ये सेम उतार देंगे, हमें वी शुड नोट, यहाँ आ जाएगा रन ऑन द, आप अच्छे से लिखोगे तो इसी में आ जाएगा ऑन द रोड, ठीक है, ये लाइन पूरी हो गई है। दूसरी देखो आगे क्या है, प्ले ऑन द रोड, क्या हमने प्ले करना चाहिए, तो ये हमारी पहले से ही लिखी हुई है, यहाँ ध्यान देखोगे वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, ये लाइन लिखी हुई है। तीसरी लाइन पे चलते हैं, वॉक ऑन द राइट साइड, क्या हमें राइट साइड में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए ना, तो हमें यहाँ पर आएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं वी शुड नॉट, मैं पहले रंग बदल दूँ ताकि आपको पता चले, वी शुड नॉट, अगले लाइन में ऐसे ही उठा के लिख दूंगी ऑन द राइट साइड, राइट साइड, क्या लिखा हुआ था, राइट साइड, ठीक है, यहीं तक लिखा हुआ था, यहां मैं लगा दूंगी फुल स्टॉप। आपने इसको सुंदर सुंदर लिखना है। अगली लाइन देखो, थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, तो क्या आएगा, ये नहीं वाले में आएगा, चलिए हम इसको लिख देते हैं, पहले रंग बदल लूं मैं, यहां लिखते हैं वी शुड नोट थ्रो, पूरी लाइन ऐसे ही उठा के लिखनी है, टी एच आर ओ डब्ल्यू थ्रो गार्बेज, बी ए जी ई गार्बेज, ई आएगा यहाँ पे गार्बेज, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, आपने सुंदर सुंदर लिखना है लाइनों में खुले खुले, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यहाँ पर ये हमें करना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड, इस वाली लाइन में लिखेंगे हम इसको, चलिए हम लिखेंगे वी शुड शुड वॉक ऑन द द, आपने सुंदर सुंदर लाइन में लिखना है, मैं यहाँ जगह कम होने की वजह से लिख रही हूँ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, लाइन ख़त्म करके फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया, अगली है यूज जेब्रा क्रॉसिंग, करनी चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, रंग बदल लूँ मैं, वी शुड यूज, वी शुड यूज जेब्रा, जेड ई बी आर ए जेब्रा क्रॉसिंग, सी आर ओ डबल एस आई एन जी क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन क्या है, हमें
वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए, और यहाँ पर ये ध्यान से देखोगे ये वाली लाइन लिखी हुई है, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ये मानना चाहिए ना, तो हम यहाँ लिख देंगे लाइन वी शुड, मैं रंग बदल लूँ पहले थोड़ा सा, वी शुड फॉलो फॉलो द ट्रैफिक टी आर ई डबल एफ आई सी ट्रैफिक रूल्स आर यू एल ई एस, यहाँ फुल स्टॉप होगी, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं हम क्या है, स्पिट ऑन द रोड, रोड पे थूकना चाहिए तो नहीं ना, तो ये लाइन हमारी यहाँ पे आएगी वी शुड नॉट, तो यहाँ लिख देते हैं हम वी शुड नॉट स्पिट एस पी आई टी स्पिट ऑन द रोड फुल स्टॉप, ठीक है, ये हो गया। अगली देखते हैं क्या है, स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, तो ये हमें करना चाहिए ना, रुक जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, रंग बदल लेती हूँ मैं, वी शुड स्टॉप When the traffic light is red, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। अब आपने बच्चों एक काम और करना है, मैं साथ में पढ़ के बताती हूँ हमने क्या क्या लिखा है। यहाँ पर आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो ताकि और अच्छा लगे, ये एक नंबर पे दिया हुआ है, यहाँ हम दो, फिर ये तीन, फिर ये हो गया चार, और यहाँ पर ये हो गया पाँच, ये पाँच नंबर तक आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी नंबरिंग करोगे आप ताकि अच्छा लगे, ये एक नंबर हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, और यहाँ पर ये क्या है पाँच, पाँच पाँच लाइनें आ गई है ना सारी जगह। चलिए अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या क्या हमने लिखा। पहले वी शुड में क्या लिखा, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग, चौथा है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और पांचवा है वी शुड स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। अब जो नहीं करना चाहिए उसमें हमने क्या लिखा, पहली लाइन है वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए, दूसरी है वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, हमें रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए, तीसरी है वी शुड नॉट ऑन द राइट साइड, ये क्या था, वी शुड नॉट राइट साइड वाला क्या आएगा हमारा, अभी देखती हूँ, वॉक, वी शुड नोट, यहाँ पर आना था वॉक, हम यहाँ पर वॉक लिख देते हैं नोट के बाद वॉक, ठीक है, यहाँ आ जाएगा वी शुड नोट वॉक ऑन द राइट साइड, ठीक है। आगे है चौथी है वी शुड नोट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, पांचवी है वी शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड, हमें रोड पर नहीं थूकना चाहिए। इस तरह से हमारा ये काम पूरा हो जाता है। ये एक बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी है, ये देखो ये तस्वीर बनी हुई है, आप चाहे तो इसे कॉपी पे बनाओ नहीं तो अपनी बुक पे बनी हुई है। क्या करना है, कलर द पिक्चर ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट की पिक्चर को कलर करना है, रंग करना है एज पर द हिंट्स गिवन इन द पिक्चर। यहाँ देखो स्टॉप, स्टॉप किस पे होता है, रेड पे, तो आपने क्या करना है यहाँ पर सुंदर सा रंग करना है, कौन सा कलर करोगे, रेड, तो मैं रेड कलर ले लेती हूँ पहले, यहाँ पर आपने रेड कलर करना है और इसको इतनी सफाई से करना है कि ये बाहर ना निकले, ठीक है, आप आराम से करोगे तो कहीं नहीं निकलेगा, इसको आप कर दोगे। दूसरा क्या है,
ठीक है, ये हो गया रेड। वेट, वेट के लिए हमें कौन सा चाहिए, येलो, तो मैं यहाँ पर येलो कर देती हूँ। हमें पता है ना इंतजार करो, तैयारी करते हैं जब, तो हमारी कौन सी बत्ती जगती है, पीली। अब उसके बाद तीसरा है गो। गो किसके लिए होता है, हरर, हरी बत्ती आ जाती है तो हमें गो, तो यहाँ पर आपने हरा रंग कर। आप चाहो तो अपनी बुक पर मोम वाले रंग से या जो भी है सुंदर सुंदर बना दोगे, और ये इस तरह से देखना आपको बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये हमारी एक्टिविटी 50 की पूरी हो गई है। उसके बाद एक आखिरी पेज की आखिरी एक्टिविटी है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक लड़की है, एक लड़का है, स्कूल गेट है, ये पूरे स्कूल का एक नक्शा बना हुआ है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, साइकिल स्टैंड, कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, गर्ल्स वॉशरूम, बॉयज वॉशरूम। ये क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये 8 क्लासें हैं। यहाँ कंप्यूटर लैब है, यहाँ लाइब्रेरी है, स्टाफ रूम है, प्रिंसिपल रूम है, रिसेप्शन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मनीषा, मनीषा अ न्यू स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, इस लड़की का नाम मनीषा है जो कि तीसरी क्लास की लड़की है और नई है, इसका हम मैं नाम लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले। इसका नाम है मनीषा, MANISHA, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इज एट द स्कूल गेट, ये मनीषा स्कूल गेट पे खड़ी है, ठीक है। और क्या है, राहुल अनदर स्टूडेंट इज ऑल्सो एट द एंट्रेंस, और राहुल, ये इस लड़के का नाम क्या है, राहुल है, चलिए हम लिख देते हैं इसका नाम राहुल। ये भी क्या है, स्कूल के गेट पर खड़ा है, ठीक है। अब क्या है, ही वॉन्ट्स टू गो टू द लाइब्रेरी, ही आया इसका मतलब राहुल कहाँ जाना चाहता है, यहाँ लाइब्रेरी में, आप देख पा रहे हो, लाइब्रेरी में जाना चाहता है। हेयर आर द इंस्ट्रक्शन फॉर हिम, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो लाइब्रेरी में कैसे पहुँचेगा। अब यहाँ से देखना कैसे कैसे कर रहे हैं, पहले लिखा है फर्स्ट गो स्ट्रेट, राहुल के लिए है ना, तो ये सीधा, स्ट्रेट होता है सीधा, फर्स्ट ये स्ट्रेट जाएगा यहाँ तक, देन टर्न, टर्न होता है मुड़ना, लेफ्ट, अब ये इसका इस तरफ मुंह है चलते हुए, तो लेफ्ट इसका इस तरफ बनेगा ना, तो टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ, बाएं ओर मुड़ गया, सीधा चलता गया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वेन यू रीच द प्रिंसिपल्स रूम, जब आप प्रिंसिपल के कमरे के पास पहुंचते हो, ये देखो ये प्रिंसिपल के कमरे के पास पहुंच गए हैं, टर्न राइट, तो अब ये इसका मुंह इस तरफ है, तो इसका राइट किस तरफ बनेगा, इस तरफ, तो इस तरफ उसने मुड़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुड़ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम इज द लाइब्रेरी, यानी कि स्टाफ रूम के आगे क्या क्या है, लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप पे देखेंगे ये मुड़ गया है, ये स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम के बाद ये लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी में चला गया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमें एक एक्टिविटी बताई गई है, अब क्या करना है, नाउ गिव इंस्ट्रक्शन टू मनीषा, अब आपने मनीषा को इंस्ट्रक्शन देना है टू रीच हर क्लासरूम, अब उसकी क्लासरूम कहाँ है, क्लासरूम थर्ड है, यहाँ पहुँचने के लिए उसको यहाँ पहुँचाना है ना तीसरी, तो वो भी क्या करेगी, हम इसके इंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ तक तो सेम रहेगा, क्या है, फर्स्ट गो स्ट्रेट हम इसका बनाते जाते हैं ताकि हमें लाइन लग के पता चले क्या बनेगा। मनीषा के लिए है फर्स्ट गो स्ट्रेट, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट मुड़ जाना है। व्हेन यू रीच द प्रिंसिपल रूम, ये प्रिंसिपल रूम के पास पहुंच गए, टर्न राइट, राइट चलती जाएगी, ये यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बनाना है, अब यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन, यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसे तो लाइब्रेरी में जाना था, हमें आगे जाना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वो जो लिखेंगे वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या लिखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है आपने। व्हेन यू रीच, यहाँ लिख देंगे हम, व्हेन यू रीच, इधर कर देती हूँ मैं ताकि लिखा जाए, व्हेन यू रीच, कहाँ पर रीच कर जाएंगे, क्लास एट, आठवीं क्लास है ना, एट्थ,
ठीक है, टर्न, पहले मैं लिख देती हूँ ताकि फिर आपको समझाती हूँ। टर्न राइट, राइट मुड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट टू क्लास, फोर्थ इज द क्लास थर्ड। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तक हम चले गए मनीषा, पहले क्या है, फर्स्ट गो स्ट्रेट, फिर उसके बाद क्या है, देन टर्न लेफ्ट, व्हेन यू रीच द प्रिंसिपल रूम टर्न राइट, राइट चलती गई। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, व्हेन यू रीच द क्लास एट्थ, अब ये देखो ये क्लास एट्थ के पास पहुँच गई, टर्न राइट, अब ये इसका राइट क्या है, ये वाला है, तो राइट की ओर मुड़ना है, ये ऐसे मुड़ गई है। अब क्या है, नेक्स्ट टू क्लास फोर्थ, फोर्थ तक आ गई है, तो इसके आगे वाली क्लास क्या है, थर्ड, तो ये वो यहाँ चली जाएगी। मैं इसकी एरो भी बना देती हूँ, यहाँ मुड़ गई है, इसके पास ये इसमें एंटर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो मनीषा नाम की नई लड़की थी उसको हमने क्लास थर्ड में पहुँचा दिया है, और जो राहुल था वो लाइब्रेरी में गया है। आपने क्या करना है, ये जो सुंदर सुंदर मैंने यहाँ लिखा है इसको आपने सुंदर सुंदर लिखना है। इस तरह से आपका पेज नंबर 51 पूरा हो जाता है, और इसी के साथ आपका पाठ भी ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।